देखिए बीच में से ये चीज जो है टूट गया कि लद्दाख का प्लानिंग चल रहा है गाइस। और तो ये गाड़ी तैयार होने वाला कुदरत का हो गया ऐसा करिश्मा कपूर कि जहां तक चीन पहुंच गए जापान। आई एम प्लानिंग विथ आवर बिलावेड YZF Yamaha R3। अरे बाप रे बाप। वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चा बड़ी मेरे समेत एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पर। आशा करते हैं सब लोग ठीक हो, मजे में बचेंगे और जहाँ से वीडियो देख रहे हो ताबड़तोड़ देख रहे हो भाई साहब। राइट नाउ हेडिंग टुवर्ड्स रविंद्र यामा का सर्विस सेंटर एज वेल एज शोरूम, क्योंकि बहुत तगड़ा वाला काम चल रहा है हमारे यामा R3 पर, क्योंकि लद्दाख का प्लानिंग चल रहा है गाइस। और ये एग्जैक्टली ये वही लोकेशन है जहाँ से हमने लास्ट टाइम जब हमने लद्दाख राइड चालू किया था ना, यही वो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ से हम लोग रात को निकले थे, कुछ एक 12:30 के आसपास निकले थे, हमारा जो राइड था उसको शुरू किए थे। तो एक बार फिर से लद्दाख जाने का अब बाइकर्स ड्रीम फिर से रिलीव करने का मौका मिल रहा है। काफ़ी जोश में हम काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि एक लॉन्ग राइड पे चले। फाइनली मौका है, दस्तूर आलम आ चुका है, मिल चुका है कि फिर से हम एक तगड़ा वाला राइड पे निकले। दिस टाइम आई एम प्लानिंग विथ आवर बिलावेड YZF Yamaha R3। जी हाँ गाइस, तो उसके चलते गाड़ी का तो पुर्जा निकाल के A to Z क्लीनिंग चल रहा है, साफ सफाई चल रहा है। साथ ही के साथ में हम सोच रहे कि उसका एक तगड़ा वाला रैप करें। तो पहले हम बाइक दिखाते हैं आपको, उसके बाद आपसे सलाम मशवरा करेंगे कि किस तरह का रैपिंग होने से सही रहेगा। और गाइस, जैसे कि मैं फुल्ली एक्साइटेड हूँ लद्दाख राइड के लिए, लद्दाख राइड 2024। एक मोटिव के साथ, एक मोटो के साथ हम लोग निकलने वाले हैं, मतलब सेव नेचर काइंड ऑफ। तो इस पे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो सेव नेचर कैंपेन पर। पेड़ का जो सीड होता है ना, आमी अहमद को पुली, तो सीट जो है ना वो आप जमा करवा सकते हो, जिसको हम लोग एन रूट जाते वक्त हम लोग प्लांटिंग करेंगे। और गाइस, मुझे तो काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है लद्दाख राइड के रिगार्डिंग। अगर आप भी, मतलब आपको भी एक्साइटमेंट हो रहा है ना और आप भी जाना चाहते हो, तो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है ना, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो। मोर देन 80% ऑक्यूपाई हो चुका है, 10% सीट्स अभी खाली है। तो अगर आप जाना चाहते हो हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हो ये वाले नंबर पर। हाँ, कॉल मत कीजिएगा, ये वाला नंबर पर कॉल वैसे भी नहीं लगने वाला है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिलने वाला है। और ये वाला राइड गाइस करना चाहते हैं एक मोटिव के साथ, एक मोटो के साथ, एक मकसद के साथ। वैसे तो बाइकर्स का ड्रीम ही होता है, बट इस ड्रीम को फुलफिल करते वक्त हम सोच रहे हैं कि सेव नेचर का एक कैंपेन चलाए जहाँ पर हम लोग सीड्स वगैरह प्लांट करें नए पेड़ों के लिए, नए पेड़ पौधों के लिए। तो उस वजह से अगर आप राइड ज्वाइन भी नहीं करते हो ना, जो फ्लैग ऑफ वगैरह होगा उसका डिटेल मैं इंस्टाग्राम पर दे दूँगा, आप फ्लैग ऑफ में आ करके प्लांट्स का जो सीड है वो सब हमको दे सकते हो, ताकि हम एन रूट जर्नी में हम लोग उसको प्लांट कर सके, थोड़ा बहुत नेचर का जो है मदद कर सके हमारी तरफ से जितना हो सके। तो अगर आप इसमें सहायता दोगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि यस विराज भाई, हम हैं आपके साथ, हम होंगे कामयाब। सो गाइस, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रहा है, मतलब इतने दिनों के बाद राइड करने का मौका मिल रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये जो R3 है, इसको जो नंगा पुंगा करके अभी काम करने के लिए दिए है ना सर्विस सेंटर पे, इसका एक झलक लेते हैं अभी। और साथ के साथ में बाइक पे एक चीज़ करना है हमको, उसके लिए आपका कीमती सुझाव भी ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हो ना कि हमारे पिछवाड़े के नीचे, यानी कि सीट जो है, जिस सीट पे हम बैठे हुए हैं, ये क्या है, तो ये है गाइस यामा का एरोक, जो कुछ दिन पहले हमें मिला था फ्रॉम रविंद्र यामा का शोरूम। तो इसके हम इस पर हमने रील वगैरह शूट किया है, तो इंस्टाग्राम पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो, आईडी वगैरह यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। इस एरोस के रिगार्डिंग अगर बोले ना, मतलब इसका अलग से वीडियो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया मॉडल जो है 2024, उसका अलग से वीडियो बनेगा, उसका मॉडल का नाम है यामाहा एरोक्स वर्जन S 2024 मॉडल। अगर आप चाहते हो कि हम इस पे, मतलब एरोक्स पे वीडियो बनाएं, तो कमेंट ज़रूर करना। ये हाईवे बनने के बाद ना काफ़ी ईजी हो गया है ट्रेवल करना, फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ गुवाहाटी टू द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर सिटी। बढ़िया, एकदम बहुत ही जल्दी हम लोग पहुँच जाते हैं। स्पेशली थैंक्स टू आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट फॉर द इनोग्रेशन ऑफ मल्टीपल फ्लाईओवर्स। अभी सिटी को ना फ्लाईओवर सिटी बोल सकते हैं भाई साहब, इतना फ्लाईओवर हो चुका है। थोड़ा बहुत इसमें अभी पेलम पुलाई करते हैं। चलो गाइस, मतलब स्कूटर जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, बाइक के जैसा पिकअप लेता है भाई ये। भाई 108 चढ़ गया भाई, पता ही नहीं चला। सुबह सुबह का टाइम है, रास्ता काफ़ी है खाली, पेलम पुलाई इज जारी। ओ बुलेट वाले भाई साहब, बाय बाय फ्रॉम एरक्स। भाई कितने स्पीड में जा रहे हैं आप? अरे बाप रे बाप, 113, 14, 15, 16, 17, 18,
क्या खतरनाक पिकअप है भाई स्कूटर में भाई, पैसे भी तो ले रहे हैं ना भाई, पिकअप वगैरह तो देंगे ही देंगे। अच्छा मैं थोड़ा जोश जोश में ज्यादा आ गया हूँ, मेरे को घुमाना पड़ेगा। सॉरी सॉरी। तो पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर, यामाहा के सर्विस सेंटर में, मतलब ये रविंद्र ऑटो एजेंसी। गुड मॉर्निंग भैया, फोन में घुसे हुए हैं इसलिए गुड मॉर्निंग नहीं दे पा रहे हैं, तगड़ा वाला मीटिंग चल रहा है भाई का फोन पे। हाँ तो जी, ये रहा यामाहा R3, बट ये वाला हमारा नहीं है, हमारा है ये वाला द एडिशन। जी हाँ गाइस, तो ये गाड़ी तैयार होने वाला है पूरा एकदम, एक तरफ से सारा कुछ ऑर्डर दे दिए। यहाँ पे नीचे में देख सकते हो, कुछ दिन पहले क्या कांड हो गया था, ये देखो ये चीज़ ना घुस गया था चेन पे एकदम, तो इसको भी चेंज करवाना है, ब्रेक शो आगे पीछे का चेंज करवाना है। गाड़ी का इंजन तो सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी क्लच केबल वगैरह ब्रेक्स वगैरह मेरे को परचेस करना है। तो एक आध सामान है जो है नहीं इनके पास, ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर भी कैरी करना है साथ में। तो हमारा जो प्रश्न है आपके लिए, गाड़ी तो हम देख लिए है, बाकी आप बताओगे इसके इसमें कौन सा रैप करने से सही रहेगा लद्दाख जाने को, उस हिसाब से थीम जो है क्या रखने से सही रहेगा, अपना कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में डालो यार, कि लद्दाख के लिए R3 को किस तरह का रैप करने से सही रहेगा। मैं तो आके पहुंच चुका था यामा के सर्विस सेंटर पर, ये रहा गाइस रविंदर यामा सर्विस सेंटर। बाकी बाइक यहाँ पे देखिए पार्किंग में रखा हुआ है, चेंजेस काफ़ी कुछ है मतलब बाइक पे, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले जो करवाना है, जो मैंने मोटो ब्लॉग में बताया, वो कि इसका रैप करवाना है, लद्दाख स्पेशल रैप करवाना है। बाकी टायर देखिए पीछे का पूरा टकला हो चुका है, आगे पीछे का टायर भी चेंज करवाना है। और सर्विस सेंटर में से निकलने के बाद बहुत सारे भाइयों का कंप्लेन था कि भैया आपका नंबर प्लेट का हालत देखो, ये इसका जो है ना इसका धूल मिट्टी हटा करके इसमें मतलब INDI वाला नंबर प्लेट लगवाना है, और आगे में भी नंबर प्लेट मिसिंग है उसको भी लगवाना है, काम बहुत सारा है और टाइम बहुत है कम, तो इसी कम टाइम के बीच में ही सारा कुछ निपटाना है। उधर में साइड स्टैंड भी टूटा है उसको ठीक करवाना है, और इसको भी चेंज करवाना है। ये जो आपका ये चीज़ ना कुछ दिन पहले GMC गए थे भांगर की तरफ, उत्तर स्पीड ब्रेकर में जो रहता है ना, अभी फ्लाईओवर के ऊपर में जो स्पीड ब्रेकर है उसमें ऐसे जंपिंग जवाब हो गया था, और ये देखिए बीच में से ये चीज़ जो है टूट गया, इसको चेंज करवाना है। चेन स्पॉकेट नया है, उसमें छेड़खानी नहीं करना है, और बाकी क्लच केबल कैरी करना है, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर कैरी करना है, इसका स्पार्क प्लग दो दो चेंज करवाना है, स्पार्क प्लग का कवर चेंज करवाना है, इंजन ऑयल मोटूल का लगवाना है, और हाँ बस इतना ही काम है, बाकी इंजन का कोई काम नहीं है। ट्यूनिंग वगैरह वो लैपटॉप तो घुसा करके फ्यूल इंजेक्टर वगैरह क्लीन करना है, जो जो मतलब है प्रॉपर सर्विस करवाना है। जितने बार राइड पे गए R3 को लेकर के, हमेशा रविंद्र यामा के सर्विस सेंटर में सर्विस किया है, तो काफी ट्रस्ट है कि ये बाइक जो है प्रॉपर बना करके देंगे। जैसा मैं बोल रहा था मोटो ब्लॉग में गाइस के फटाफट जाते हैं शोरूम में, लेकिन शोरूम के वजह हम आके पहुंचे, कुदरत का हो गया ऐसा करिश्मा कपूर कि जाना तो चीन पहुंच गए जापान। सो गाइस जस्ट नाउ आके पहुंचे रविंद्र यामा के शोरूम में, बाकी बाइक लौटा दिया है। भैया गाड़ी आराम से रख देना, ठीक है, थैंक यू सो मच, काफी बढ़िया लगा चला करके एरोक्स को, बाय बाय भाई, सही सलामत लेके जाना। बाकी अभी शोरूम के अंदर में जाते हैं, थोड़ा बहुत वार्तालाप करते हैं। रेस गाइस आज मौसम देखो कितना सुहाना सा मौसम हो रखा है, ऐसा सुहाना मौसम अगर हो जब हम जाए टूवर्ड्स लद्दाख तो बात बन जाए। सो गाइस गाड़ी तो जमा करवा दिया इधर में हेमंदा, कैसे बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास, और हेमंदा के साथ में जाके आगे में एक जगह में वीडियो किया, शायद से वो वीडियो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आप देख लोगे। तो भैया कुछ शोरूम आया कुछ ऑफर ऑफर ये सब, खाली हाथ ऑफर तो मिल गया, आपका नाम बोलने से ऑफर तो एक्स्ट्रा ही देगा, मतलब पता ना आपका आया हूँ खानदानी चोर हूँ, आंखें निकाल के गोटिया खेलूंगा क्राइम मास्टर भूगो, तो आया हूँ कुछ तो लेके जाऊंगा। तो ये तो टी शर्ट गिफ्ट दे दो क्या इतने, ठीक है अभी तो अच्छा अच्छा। तो भैया ऑफर क्या, FZ का ऑफर चल रहा है ना 3000 वाला, और इसका 2000 स्कूटर में 2000 का डिस्काउंट, FZ में 3000 का डिस्काउंट, MT03 और R3 में 20000 का गिफ्ट, तो भयंकर वाला ऑफर चल रहा है। और हमारा नाम बताओ आके, शायद और कुछ कुछ सामान मिलने वाला है। ओ भाई साहब गाड़ी है तो ऐसा हो एकदम टॉर्च लाइट जैसा आगे से, बढ़िया एकदम भाई फर्स्ट क्लास गाड़ी। अच्छा ये गाड़ी लेके घूमने जा सकता है ना भैया? अच्छा बैग, ये यामा का बैग है क्या? ये कितने का आता है? ये आपका हो गया 2500 का, 2500 का। इसमें आप मोबाइल भी रख सकते हैं इसमें। अच्छा मोबाइल तो GPS देख सकते। अच्छा ये फीता वाला बैग है ना? पच्चीस सौ। अच्छा ये भी, ये तो अच्छा लग रहा है R3 में जगाने के लिए, बढ़िया होगा भाई लद्दाख जाते वक्त। ले लो ना, मेरा तो लोहे का टंकी नहीं है ना, प्लास्टिक है ना, ये फीता बांध। अरे ये गाड़ी कौन सा गाड़ी है? FZ कौन सा है? FZX। अच्छा जैकेट वैकेट सब कुछ है, ये सब ये सब में क्या डिस्काउंट है शोरूम आने से? बढ़िया यामा के फैन के लिए अच्छा है। मेरे पास तो एक है ब्लू कलर का, वो अभी तक पहना नहीं हूँ, इस बार शायद ट्रिप में पहनूंगा क्योंकि R3 लेके जा रहा हूँ ना,
बहुत बढ़िया, ये बैग भी बहुत जबरदस्त है यार, बढ़िया एकदम। हेलमेट थोड़ा महंगा वाला हेलमेट लाओ, ये तो नॉर्मल लग रहा है लेकिन महंगा होगा फिर भी। कितने का है ये? 3500 का है ये। डॉट डीओटी है, ऐसा है, कौन सा है ये राना? अच्छा ऐसा है, मार्क्ड है ऐसा, ठीक है लेकिन थोड़ा ये उम्र ज्यादा लग रहा है गाड़ी हेलमेट देख के। भाई नहीं पहनेगा मैं भाई, इंसल्ट, ये मेरे को पहनने बोल रहा है भाई, इंसल्ट हो जाएगा जीवन में। ऐसे ही लोग छपरी बोलता आते टापरी बोलना चाहते हैं। ये तो दिख रहा है, कैसा दिखाई देता देखने के लिए? बढ़िया बढ़िया, पीछे पीछे घूमो ना। बाप नहीं ऐसा ठीक ही है, ऐसा इतना भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये यामा पहना पहन के रखा है ना, ठीक ही लग रहा है। बाकी सही लग रहा है, सही लग रहा है। लेकिन इसमें 3500 डिस्काउंट नहीं है? आपके लिए बहुत डिस्काउंट, मेरे लिए डिस्काउंट, बाकी के लोग आएगा लेने के लिए तो आपका नाम से बोल गया। अच्छा अच्छा, मेरे नाम से मिल जाएगा ना? कूपन कोड सिराज खान। चलो अभी हम लोग को वायरल रील शूट करना है और लद्दाख के लिए पैसा जमा करना है, कटरा लेके ले गए।